वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एज पर योर रिक्वेस्ट मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ अपना डेली मेकअप रूटीन। तो जैसे कि आप लोग पूछते रहते थे, तो राइट नाउ आई एम विदाउट मेकअप। मेकअप तो लैशेस के बारे में मत बोलना क्योंकि दे आर परमानेंट और मैं उनको निकाल नहीं सकती। तो मैं आपको दिखा दूंगी, आई डिडंट हैव अप्लाइड एनीथिंग ऑन माय स्किन। तो लेट्स नो मेकअप चेक, लेट्स डू नो मेकअप। ये मैं इसलिए करी क्योंकि लॉट ऑफ पीपल यूज टू से आपने मुंह पे आटा लगाया है, क्या थोपा है, प्लास्टिक वाला मेकअप है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आई डोंट यूज लॉट ऑफ मेकअप ऑन माय फेस, तो आज मैं आपको बता ही दूंगी। चलो नाउ फिनिश, क्लीन अप इज फिनिश, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। देर ना करते हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वील स्टार्ट विद द प्राइमर। प्राइमर इज द मोस्ट प्राइमरी थिंग इन एवरी मेकअप रूटीन। आप लोगों को प्राइमर लगाना ही चाहिए, बिल्कुल लगाना चाहिए। सो आई डन विद द प्राइमर, सो नेक्स्ट वी विल अप्लाई माय सनस्क्रीन। सनस्क्रीन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो गाइज लेट मी शो यू मैं कौन सा सनस्क्रीन यूज कर रही हूँ। दिस इज माई फेवरेट सनस्क्रीन एवर। मेरा फेवरेट सनस्क्रीन है, जब भी बाहर जाती हूँ इसको लगा के जाती हूँ, इसके बिना नहीं जाती। तो वी आर डन विद द सनस्क्रीन। जिनको सीरम यूज करना होता है, जिनको अच्छा लगता है, तो वो सीरम भी यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मेरा डेली मेकअप रूटीन है, तो मैं फाउंडेशन यूज ना कर रही, सिर्फ ओनली कंसीलर यूज करूंगी। दिस इज फ्रॉम मेबेलिन। Now time to blend. मेरा blender थोड़ा, इसकी हालत अच्छी नहीं है, पर कोई बात नहीं, मैं नया ले लूंगी। मैं आपको इस चीज में फर्क बताती हूँ। आप हाथ से अप्लाई करते हो वो इट्स अ डिफरेंट थिंग। जब आप कोई ब्लेंडर यूज करते हो आपके फाउंडेशन को आपकी स्किन का बिल्कुल मर्ज कर देता है, बहुत अच्छे से मर्ज कर देता है। आई विल रिकमेंड कि आप अगर फाउंडेशन को मर्ज कर रहे हो तो विद ब्लेंडर ही करें। तो अब बारी आती है हमारी आईब्रोज की। सो आर आईब्रोज आर डन। ऑलवेज रिमेम्बर आपको इसी ब्रश से अपना आईब्रोज करना है, ये परफेक्ट है। सो नाउ इट्स टाइम टू मेरा ब्लश ब्रश गायब है, अभी मुझे जल्दी जल्दी में नहीं मिला, तो मैं इसी के साथ अपना ब्लश एंड ग्लो हाइलाइटर यूज करूंगी क्योंकि डेली मेकअप रूटीन है, तो बिल्कुल हल्का करिए, बिल्कुल लेस। ओके डन विद द ब्लश एंड हाइलाइटर। नेक्स्ट वी नीड टू अप्लाई माय लाइनर। कई लोग मुझे लाइनर का भी ट्यूटोरियल पूछते हैं, तो यू कैन सी आई लव टू विंग माय एजेस। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं यहाँ नगीनी लगती हैं। और देखो अगर आप लोगों ने लैशेज यूज करना है तो आपको लैशेज यूज करनी चाहिए। सो 50% डन। तो अभी हमारे रहता है लिपर। लिपर के लिए मैं थोड़ा सा अपना पहले लिप्स पे जो फाउंडेशन और कंसीलर लगा है इसको हटाएंगे। आज के लिए मैं ये कलर यूज करूंगी बिकॉज इट्स डेली मेकअप रूटीन, तो बहुत ज़्यादा हाइलाइटिंग वाला कलर यूज ना करके मैं बिल्कुल स्लो सा कलर यूज करूँगी। सो
जिनके लिप्स छोटे होते हैं मेरी तरह, तो आप लोग क्या कर सकते हो, हल्का सा जो आपकी लिप की आउटलाइन होती है उसके ऊपर भी आपको लिप, अगर आपके पास लाइनर है तो आप लाइनर लगा सकते हो या फिर लिपस्टिक ही यूज कर सकते हो, तो इट विल लुक फ्लॉलेस। मेरा डन है, तो इसके ऊपर मैं ये यूज करूंगी माय वेट चेरी ग्लास। तो हमारा ट्यूटोरियल आज का इतना ही था। यू गाइज विल लेट मी नो कि आपको मेरा डेली मेकअप रूटीन कैसा लगा। वी आर डन विद द फ्रेश लुक। तो अभी हम चलते हैं थोड़े से ब्यूटी सीन्स पे, जो मैं आपको अपना मेकअप थोड़ा सा दिखाऊंगी ब्यूटी शॉट्स में, तो आपको पता लग जाएगा कि इसकी बिल्कुल फिनिशिंग कैसे दिखेगी। तो लास्ट सीन